हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक दिन है। तो आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसे कैसे इतने साल चले गए मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। बच्चे कब बड़े हो गए, कब इतने साल से मैं यहाँ हूँ। मतलब अभी भी लगता है जैसे मैं अभी अभी आई हूँ, ऐसे ही लगता है हमेशा। तो बहुत साल हो चुकी है, बच्चे भी अभी बड़े हो चुके हैं। और मैंने सोचा था आज कुछ खास करेंगे, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे। फिर बच्चे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता जाने के लिए, तो इसीलिए नहीं जाएंगे, घर में ही कुछ कुछ बना के खाएंगे, कुछ स्पेशल बनाएंगे और खाएंगे, वही है। और हमेशा हर साल मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही है, लेकिन इस साल मैंने बोला था उनको नहीं देने के लिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है गोल्ड बहुत ही ज़्यादा महंगा है, अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो मैंने बोला था उनको कुछ नहीं देने के लिए, लेकिन वो नहीं माने और दिए हैं। तो मुझे बहुत ही पसंद था और मैं बहुत साल से सोच रही थी बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन भूल ही जाती हूँ। कभी याद करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। तो आज वही चीज़ आप सोच रहे होंगे, रिंग। रिंग नहीं, मेरे हस्बैंड ने इस साल मुझे क्या दिया मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये कान का, मैंने बता ही दिया। सिंपल सा है, ये वाली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा वाला। मैंने एक दिन उनको बोला भी था, जो मुझे ऐसा बड़ा बड़ा रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी तो मैंने ऐसे लगाया है, छोटा सा ऐसे मेरे पास है, लेकिन छोटा सा है। और ये बड़ी सी रिंग आज मैं लगाऊंगी। सुबह दिया था, अभी तक मैंने पुष्पा को भी नहीं दिखाया। ऐसा सिंपल है लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आज लगा के रखूंगी। तो आज रात के खाने में क्या क्या है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और कुछ खास तो है नहीं तब भी, और बच्चों की भी मैं फ़ोन करके बोल दूंगी आज उनको भी कुछ स्पेशल बाहर से मंगाए और खाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ खाएंगे और वो वहाँ ऐसे ही कुछ कुछ खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए उनको भी मैं फ़ोन कर दूंगी। और मुझे बहुत शौक़ था, मैंने सोचा भी था इस साल गुवाहाटी जाएंगे मंदिर में, कामाख्या मंदिर में, लेकिन कभी होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों कभी होता ही नहीं है। अब बच्चे भी नहीं हैं, जो वो होते तो चलो चले जाते। और ऐसा होता है कि घर में किसी को छोड़ के जाओ। और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मैं निकली हूँ, कभी शिलोंग गई हूँ, कभी घर गई हूँ, कभी बहन के घर गई हूँ, कभी हस्बैंड गए हैं बेंगलोर, ऐसा मतलब होते रहता है। तो इस साल भी ऐसे ही हुआ, नेक्स्ट ईयर सोचूंगी जाने के लिए, देखती हूँ कैसा होता है। और आप सभी हमें आशीर्वाद कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारा आने वाला जिंदगी ऐसे हंसी खुशी से जाए। और कैसे कैसे सुख दुख झगड़ा, थोड़ी सी प्यार, कैसे कैसे इतना साल चला गया पता ही नहीं चलता है। कभी खुशी कभी गम, वही तो है सभी का। तो ये मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी और अभी मैं दुकान जाऊंगी और शाम को मैं आपसे मिलती हूँ। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, धूप आई हुई है। काल में मुझे थोड़ा धूप का काम था, हुआ ही नहीं, काल धूप आया ही नहीं, दिन भर धूप नहीं था, ना बारिश ना धूप। और आज धूप है तो कुछ कुछ सुखाना भी है, तो सुखाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी दुकान। तो चलिए शाम को मिलते हैं आपसे। और मैंने हस्बैंड को पहले ही बता दिया है केक वेक कुछ नहीं लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी केक उतना पसंद नहीं है और हस्बैंड को भी मीठा खाना मना है, तो इसीलिए मैंने बोला केक नहीं लेने के लिए। केक वेक कुछ काटूंगी नहीं, ऐसे ही सिंपल सा खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, वही है। तो जो भी करेंगे आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो चलिए शाम को आपसे मैं मिलती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बहुत टाइम भी हो चुका है, मुझे दुकान भी जाना है, क्योंकि 9:45 होने वाली है। देखिए अभी तक मैं दुकान खुली भी नहीं, तो चलिए अभी चलते हैं दुकान। तो फ्रेंड्स अभी मैं दुकान से आ गई हूँ, तो यहाँ मैं थोड़ी देर
आई हूँ बालकनी में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी हवा खा लेती हूँ, लेकिन हवा तो है ही नहीं, थोड़ी भी हवा नहीं लग रही है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही हवा आती है, लेकिन कभी कभी तो आता ही नहीं है, जब चाहिए उस टाइम होता ही नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अभी मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि दुकान से आने के बाद थोड़ी रेस्ट करने से और खाना बनाने में आलसी लगती है, तो पहले मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद ही मैं थोड़ी टाइम रेस्ट करूंगी और टाइम हो जाने से खा भी लेंगे। और ये सब बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखने से, देखिए पूरा दिवाली ही लग रहा है, जैसा लगता है दिवाली आ गई है। और आज हमारे साथ क्या हुआ पता है आपको, आज मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे एक मुर्गी और हमने सोचा शाम को काटते हैं, और शाम में भांजा गए थे काटने के लिए, तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। भांजा गए थे काटने के लिए और जाके देखते हैं मुर्गी ने एक अंडा दे दिया है, तो अभी उस मुर्गी को काटना तो ठीक नहीं है, तो हम सोच रहे थे उसको हम पालेंगे, तो देखते हैं कितना अंडा देगा मुर्गी। अभी आज ही से शुरू किया है, एक ही अंडा दिया है, और कभी हम मुर्गी नहीं लेते, आज ही मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों मुर्गी लेके आ गए, नहीं तो हम मुर्गा ही लेते हमेशा, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुर्गी ही लेके आ गए थे, और हुआ भी क्या खाने के लिए मिला ही नहीं। तो चलिए ठीक ही है, मुर्गी का भी नसीब अच्छा ही है, देखते हैं अभी वो कितना अंडा देता है और कितना छोटा छोटा क्यूट बच्चा होता है उसका। और आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी, सोचा था कुछ स्पेशल बनाऊंगी, बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन हुआ नहीं, तो अभी मैं फिश बनाऊंगी, तो फिश भी स्पेशल ही है, तो यहाँ है इलिश फिश, तो अभी मैं ये इलिश फिश बनाऊंगी, और यहाँ भी इलिश फिश ही है, तो अभी मैं इलिश फिश बनाऊंगी, इलिश सरसों बनाऊंगी। तो आज का हमारा स्पेशल यही है, क्योंकि मुर्गी तो मिला नहीं, ठीक ही हुआ नहीं मिलने से भी कोई बात नहीं, फिश भी स्पेशल ही है, वो भी इलिश। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ, और अभी टाइम हो रही है 8, तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, डिनर रेडी करूंगी। तो यहाँ मैंने 4 पीस ले लिया है इलिश फिश को, और यहाँ मैं इसको फ्राई करूंगी, ये हम ऐसे ही फ्राई खाएंगे, क्योंकि इलिश फिश फ्राई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने मसाला ले लिया है, थोड़ा सा काजू लिया है, सरसों लिया है, और लहसुन और हरी मिर्च, तो इसको मैं पहले रेडी करती हूँ, और 4 पीस ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फ्राई भी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, पहले मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ। तो मसाला मेरी रेडी हो चुकी है, यहाँ देखिए तो मसाला रेडी हो चुकी है, तो यहाँ मैंने डाल दिया है, अब यहाँ डालूंगी नमक, और उसके बाद में डालूंगी हल्दी, और उसके बाद डालूंगी थोड़ी सी तेल, अब इसको मिक्स करनी है। पुष्पा एक्शन यहाँ तो, ये हरिये खुर्सानी काट तो ये वाला तीनों यही हाल दे,
तेल पूरा टुकड़ा नगर ना अलि अलि चीर मात्र यताबाट चिर्छ खुर्सानी जतिखेर नि टाउकोबाट चिर्दै छ यो टमाटर पनि निकालेर दे त और मैं हमेशा टमाटर भी डालती हूँ मुझे बहुत ही पसंद है तो इसीलिए मैं टमाटर भी डालती हूँ अगर आपको पसंद ना हो तो आप मत डालिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है टमाटर नहीं डालने से भी होती है मैं तो हमेशा डालती हूँ तो चलिए मैं पहले टमाटर को काट लेती हूँ और यहाँ मैं टमाटर डाल चुकी हूँ अगर आपको पसंद ना हो तो आप मत डालिए क्योंकि बिना टमाटर का भी अच्छा ही लगता है मुझे थोड़ी खाली खाली लगती है तो इसीलिए मैं डाल देती हूँ और मैंने यहाँ आधा ही टमाटर डाला है ज़्यादा भी मैं नहीं डालती लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ तो चलिए अभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ मोमो की बर्तन में अब इसे मैं ढक दूंगी और यहाँ फिश फ्राई हो रही है और यहाँ बन रही है सरसों इलिश और चावल बन चुकी है इलिश की सबसे क्या अच्छा लगता है जो इसको इसका जो तेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि फिश फ्राई करने के बाद जो तेल रह जाती है ना ये तेल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी चावल ही खाएंगे हम नहीं तो रोज रात को हम रोटी ही खाते हैं लेकिन आज खाएंगे चावल तो चलिए मैं इसे पहले फ्राई कर लेती हूँ तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और सिंपल सा खाना था और आज का दिन हमारा ऐसे ही गया ऐसे ही हमने मैरिज डे मनाया कुछ खास तो हुआ नहीं और रात को देखिए हमारे किचन गार्डन कितनी खूबसूरत दिख रही है और यहाँ ये रोज़ फूल को देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है क्योंकि जेरी स्पाइकी को बाहर जाना होता है तो इसीलिए हमेशा खुली ही रहती है तो अभी मैं बंद कर दूँगी और पुष्पा भांजा और पुष्पा के अंकल बैठ के टीवी देख रहे हैं तो अभी मैं इसको बंद कर दूँगी क्योंकि फिर बाद में भूल जाएंगे तो इसीलिए और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो ऐसे ही मनाया हमने कुछ खास हुआ नहीं बच्चे होते तो थोड़े मनाते भी तो आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ बाय सभी खुश रहे स्वस्थ रहे अपना और अपना परिवार का अच्छा से ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें